बिकॉज़ फोन है ना सो कम आगे या कम आगे चलो पहले किचन में ले ले नॉर्मल नॉर्मल से स्टार्ट रवि कैमरा पीछे ले जाऊंगा रवि पिक्चर हम पहले ले लें हाँ जी हाँ ठीक है मैम थोड़ा सा आ जाए मोबाइल वाला कौन है दिख दिख रहा है दिख दिख रहा है आप ही सर आते करे आरती भाई हाँ सर थैंक यू थोड़ा पीछा ले इसे दर्द कम कर लो जगह दिक्कत है गणपति बप्पा मौर्या मंगल मूर्ति मौर्या करो सबके अपने अपने चैनल्स हो खुद के खुद के सबके चैनल्स हो अपने आप और मैं याद रखना अगले गणपति में कई होंगे खुल चुके होंगे मेरा वादा आपसे नहीं नहीं होएंगे सबके जिनके नहीं है उनके हो जाएंगे ये बोलने का मकसद है मेरा चलेंगे भाई दुआएं चलाती हैं लोग थोड़ा चलाते हैं अरे सब कैसे भाई हो गए सर चलो अभी लाइटों की जरूरत ही नहीं है छोटू का दो दो है चैनल यार
ठीक है भाई, छोड़ कर छोड़ कर एक मिनट अंदर जो भी आए ना इसके थोड़ा आगे ना भाई, मैडम जी थोड़ा आगे आइए, फिर आगे सर सर आपका दोनों ये बटन में सबसे कम था। यस सर ये महेश थोड़ा पीछे, महेश अपनी कम कम बॉडी अबे कैमरा रन कर रहा है ये महेश सर यहां पर भाई हम लोग ने लास्ट टाइम भी हीरो को तो पता है कि कई अपने दोस्तों को बड़ी तकलीफें आ रही थी है ना, मैं अपने काफी लोगों तक तो पहुंच पाए, पर मैं आज सब लोग आप लोग भाई लोग और जो नहीं पहुंचे उनके लिए मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जितने अपने लोग हैं ना एक लिस्ट बना के देना। हमने सोचा था, मैंने हैदराबाद में लोगों के लिए करवाया था कि सबकी अपनी तरफ से मैं इंश्योरेंस करवा दूंगा एक साल का, तो कोई भी तकलीफ किसी को आए ना तो भगवान करे कभी ना जरूरत पड़े, लेकिन सबकी तरफ अपनी तरफ से हम लोग करवा के देंगे। तो तेरी ड्यूटी लगाता हूँ, जितने लोग हैं सबकी पूरी पूरी लिस्ट बना देना अपने मीडिया के जितने सर, एक बंदा अभी भी अपना तकलीफ में है, 10 लोग में एडमिट है वो वाला ना, तो मेरे को बताना भाई प्लीज जरा आज ही बता देना मेरे को, तो आप बताना तो एटलीस्ट आई विल गेट ऑल द इंश्योरेंसेस डन फॉर ऑल ऑफ यू है ना। ठीक है भाई, कुछ नहीं है आप लोग इसको भाई ये भाई इसकी ड्यूटी है हीरो की। कौन है सर ये? हाँ ये आदमी दिखा भाई ऑन रिकॉर्ड। मनोज तू सबका पूरा लिस्ट नाम नंबर जो जो डिटेल चाहिए रहेंगी वन पॉइंट कॉन्टेक्ट अपना। हाँ नहीं मनोज भाई एकदम पूरा दिल से करता है सबके लिए। अरुण हेलो टू सेट हेलो ये भी अपना कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी प्लीज ले लेना है ना, प्लीज करें बहुत एक्साइटमेंट रहती है। मुझे लगता है हम हर साल इंतज़ार करते हैं पापा का। पिछले दो सालों में हमने देखा था कि कोविड के समय में आप जैसे आप सब परिवार वाले लोग नहीं पहुंच पाते थे, तो तकलीफ़ें थी, लोगों की तकलीफ़ें बड़ी भी बहुत, और हमेशा पापा से यही मांगा कि वो तकलीफ़ें दूर हों, वापस ज़िंदगी जो है लोगों की पटरी पर आ पाए। और मैं इस बार भी पापा से यही कहूँगा कि सब जल्दी ठीक हो, विघ्न हरें सबके, और ज़िंदगी वापस लोगों की जो खुशियाँ उनके जल्दी वापस लौटें। थैंक यू। मेरी वाइफ करती है सोनाली, वो इसकी इंचार्ज रहती है। मैं तो आपकी तरह भी थोड़ी देर पहले दिल्ली से आया, बट हाँ हम लोग डिस्कस ज़रूर करते हैं कि किस तरह कलर हो, क्या हो, यू नो क्या मूर्ति का कौन सा कलर हो, एक्सचेंज ज़रूर करते हैं। बट आई थिंक इसका जो पूरा श्रेय है वो सोनाली को जाता है, वो खूब मेहनत करती है इस चीज़ के ऊपर, और हमेशा इतने कमाल के बनते हैं, तो मेरे ऊपर थोड़ी जिम्मेदारी कम हो जाती है कि यार हाँ सब बढ़िया बन जाएगा। जी जी नहीं मेरे को तो मैं देखिए नहीं नहीं कुछ नहीं ऐसा, देखिए मैं जब कोविड में कर रहा था तभी भी लोगों को लगा था कि पता नहीं क्या मैं ऐसा करूँगा जाके खड़ा हो जाऊँगा, ऐसा नहीं हुआ। मैं एक्टर हूँ, एक्टिंग करता रहूँगा, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी की आपने बात की, हाँ कतारें लंबी हुई हैं, लोग बहुत बड़े हैं, जिम्मेदारी भी और कंधों पर आई है, लेकिन खड़े ज़रूर उतरेंगे। बोलते हैं कि कतारें इसलिए लंबी हुई क्योंकि सबको जो आते हैं तकलीफें मांगने उनको मिल जाता है, उनको पता है कि अगर कुछ तकलीफ होगी चाहे वो कलकत्ता बिहार यूपी झारखंड उड़ीसा कहीं से भी आए, उनको पता है कि एक दरवाज़ा है यहाँ पर,
वो पूरा होता है, चाहे मैं ना भी रहूँ यहाँ पर, मैं वीडियो कॉलिंग पे बात करता हूँ उनसे, मेरी टीम है यहाँ पर खड़ी होती है, उनको टाइम दिया रहता है कि उस समय खड़े होंगे। सो कोशिश है, मुझे पता है कि अकेले इंसान के लिए इतना आसान नहीं है सब कुछ करना, पर फिर भी कोशिश रहेगी। और बोलते हैं कि जब लोग उम्मीद लगा कर आते हैं तो कोशिश होनी बड़ी इंपॉर्टेंट है। काम कितना कर पाते हैं, सबकी मदद कर पाते नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन अगर कोशिश की तो मुझे लगता है कि लोगों के दिल में तसल्ली ज़रूर रहती है। मैं पापा से यही कहूँगा कि पापा, जो आपने जिम्मेदारी मेरे कंधों पर सौंपी है उसको निभाने के लिए मुझे शक्ति देना, मुझे सही रास्ता दिखाना, ताकि जो लोगों की उम्मीदें हैं वो कभी टूटे ना, और मैं इसी रास्ते पर चलता रहूं और जो किरदार आपने दिया है उसको सही बखूबी ढंग से निभा पाऊँ। जी, एक्शन फिल्म है, साइबर क्राइम के ऊपर है फिल्म, शुरू हो रही है अगले महीने से, और बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत काम किया गया उस पर 1.5 साल उसके ऊपर, स्क्रिप्ट के ऊपर, एंड होपिंग फॉर द बेस्ट, फिंगर्स क्रॉस की कमाल का काम करेंगे, लोगों को एंटरटेन कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। गणपति बप्पा।